देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 जो है चैप्टर 5 का पढ़ेंगे। मैं उसे सॉल्व कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 4 को। देखिए है क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, ये देखिए आपका एपी है, इस एपी में कौन कौन से टर्म्स हैं। फर्स्ट है 21, सेकंड है 18, थर्ड है 15 एंड सो ऑन, इच -81 क्वेश्चन मार्क। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा या है। आल्सो इज एनी टर्म जीरो, और कह रहा है कि क्या ऐसा और भी कोई टर्म है इस एपी का जो जीरो हो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए एन बी अ टर्म विच इज -81। हम एक एनथ टर्म सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि एक एनथ टर्म है इस एपी का जिसका वैल्यू -81 है। डुप्लीकेट मतलब एक तरह से लोकल मान लिए हैं। अब उसी को जो हमने माना है, ठीक है, ए एन, वही हमारा क्या लाएगा आंसर, एन का वैल्यू देगा, वही एन का वैल्यू पता करेगा कि कौन सा टर्म -81 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू 21 है, डी का वैल्यू कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, -3 आ गया 9। अब देखिए ए एन की जगह पे ए लिखिए, फार्मूला हमको पता है जैसा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी। तो देखिए ए एन एनथ टर्म है -81, इसको लिखा मैंने इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3 है। अब देखिए 21 को इधर ट्रांसफर करिए, ये -21 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -102 आएगा, उधर कितना आ गया -3 टाइम एन माइनस वन। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 102 कैंसिल होगा 34 टाइम, आ गया आपका 34 इक्वल एन माइनस वन। अब माइनस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे, 34 प्लस वन हो गया इक्वल एन, तो अब ये 35 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एन इक्वल टू 35। अब हमको एक और क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा टर्म जीरो है। तो ए एन आर्बिट्रेरी है, एनथ टर्म कोई भी हो सकता है, एनथ एक जनरल, ए एन जनरल एलिमेंट है। तो अब हम फिर क्या करते हैं कि लेट ए एन बी लेट ए एन बी अ टर्म विच इज जीरो। हमने फिर कहा कि ए एन एक ऐसा टर्म है इस ए पी का जिसका वैल्यू क्या है, जीरो है, जिसका वैल्यू जीरो है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, ध्यान रखना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि ए एन टर्म है, अगर एन का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर आएगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो जीरो इक्वल हो गया है ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी, ठीक है। 21 को इधर ट्रांसफर करिए, -21 हो गया। अब इसको लिख सकता हूँ -3 फिर इंटू एन माइनस वन। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, 7 इक्वल टू एन माइनस वन आ गया, माइनस वन को इधर करिए 8 हो गया, तो एन का वैल्यू 8 आ गया। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल था सॉल्व हो गया।